विचार लो कि मच्छ हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। कोई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार को धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, कथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी ने क्षितिज ने समांत दान भी दिया, सहस्त्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म को दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, उसी कृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। हाँ वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रखो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो कभी। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रखो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंध है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंध ही न बंध की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उस आदमी का जीना या मरना कठिन है जो अपने स्वार्थ के लिए जीता या मरता है। जिस तरह से पशु का अस्तित्व सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए होता है, मनुष्य का जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाले कब जीते हैं और कब मरते हैं कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमें दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। साथ में हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि हम अमर नहीं है,
इसलिए हमारे अंदर से मृत्यु का भय चला जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसे कई महादानियों की कहानियां भरी पड़ी हैं, जिन्होंने दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। रंकी देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान में दे दी थी। दधीचि ने वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डी देवताओं को दे दी थी, जिससे सबका भला हो पाया। शिबी चक्रवर्ती ने कबूतर की जान बचाने के लिए बहेरिया को अपने शरीर का मांस दे दिया। ऐसे बहुत से महापुरुष इस दुनिया में पैदा हुए हैं, जिनके परोपकार के कारण आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। पूरी दुनिया पर उपकार करने की इच्छा ही सबसे बड़ा धन होता है। ईश्वर भी ऐसे लोगों के वश में हो जाते हैं। जब भगवान बुद्ध से लोगों का दर्द नहीं सहा गया तो वे दुनिया के नियमों के खिलाफ हो गए। उनका दुनिया के विरुद्ध जाना लोगों की भलाई के लिए था, इसलिए आज भी लोग उन्हें पूछते हैं। यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है। भगवान के हाथ इतने बड़े हैं कि उनका हाथ सबके सिर पर होता है। इसे ये सोचकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत संपत्ति या यश है। ऐसा अधीर व्यक्ति बहुत बड़ा भागीने होता है। जिस तरह ब्रह्मांड में अनंत देवी देवता जनहित के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, उसी तरह इंसान को भी आपसी भाईचारे से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से किसी और का काम न चले, बल्कि सभी एक दूसरे के काम आए। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं और सबके माता पिता परम परमेश्वर हैं। कोई काम बड़ा है या छोटा है, ऐसा केवल बाहर से दिखता है, अंदर से सभी एक समान है। इसलिए कर्म के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। भाई अगर भाई की पीड़ा न हरे तो मानव जीवन व्यर्थ है। हमें अपने लक्ष्य की ओर हंसते हुए और रास्ते की बाधाओं को हटाते हुए चलते रहना चाहिए। जो रास्ता आपने चुना है उस पर बिना किसी बहस के पूरी निष्ठा से चलना चाहिए। इसमें भेदभाव बनने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बल्कि भाईचारा जितना बड़े उतना ही अच्छा है। वही समर्थ है जो खुद तो पार हो ही और दूसरों की नैया को भी पार लगाए। यह पूरी कविता समोपकारिता और परोपकारिता का उपदेश देती है। जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में हम एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और पूरा मानव समाज इसी सहयोग पर आधारित है। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, तो दूसरे की भलाई में जीवन लगाता है, उसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखती है, कभी नहीं भूलती, हमेशा याद रखती है, हमेशा हमेशा याद रखती है।